वैसे किस खुशी में आना हुआ? नहीं मतलब हमने तो किसी काम के लिए बुलाया ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जी, इतने सालों की जान पहचान है हमारी, तो मैं सिर्फ काम के लिए आ सकता हूँ क्या? नहीं बात तो सही बोल रहे लूंडे, पर बिना काम के आने वाली पार्टी है नहीं तू। एक्चुअली एक खुशखबरी है मेरे पास। एक्चुअली अंकल आज तक ये केस लड़ लड़के मैंने बहुत पैसा बनाया है? बचा है पैसा, बचा बचा के दो दो पांच पांच रुपए जोड़ जोड़ के ये पंजाबी बाग में एक छोटी सी कोठी खरीदी है अंकल। छोटी सी? छोटी सी। कितने कमरे? एक ठीक है हॉल है, एक हॉल है, चार बेडरूम है, है? तीन बाथरूम है, एक छोटा सा गार्डन है। वो तो जरूरी है ना अंकल आजकल योगा के लिए, इम्यूनिटी के लिए, तो बस छोटा सा ये पास में ही है। आओ भाभी कभी हवेली पे। नहीं आप भी आओ अंकल। आंगे आंगे आंगे। अंकल मैं समझ सकता हूँ, मतलब मेरा खुद का मन कचोट रहा है मुझे कि मैं अब आप लोगों से और फीस ना लूं, लेकिन क्या करूं अंकल, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। यप यप। कोई प्लान वैन हो तो बताओ। हाँ नहीं तो बहुत काम है हमारे पास। अंकल इस केस को जीतने का एक आइडिया है मेरे पास। अंकल एक्चुअली अशोक विहार में मेरा एक दोस्त है, उसकी लैब है। अंकल मेरे दोस्त ने एक ऐसी दवाई बनाई है जिसको अगर आप सामने वाले को पिला दो तो वो आपका गुलाम, फिर जो आपके मन में आए उससे करवा लो, वो मना करने की हालत में रहता ही नहीं। अंकल सोचो एक बार अगर आपने वो दवाई जल्दीराम जी को पिला दी तो वो आपके गुलाम, फिर जो आपके मन में आए उनसे करवा लो। यप्पे माय गॉड, फश में करने की दवाई। भाई जी टीचर को अपने फश में करने का आइडिया मिल गया मुझे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.